वेलकम बैक टू बॉटनी क्लास स्टूडेंट्स। आज हम एनामलस सेकेंडरी ग्रोथ का पार्ट टू देखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको दो रीजंस जो हैं उनके बारे में बताया था जिससे कि एनामलस सेकेंडरी ग्रोथ हो सकता है। पहला हमने पढ़ा था अनयूजुअल पोजीशन ऑफ वस्कुलर कैम्बियम, कि वस्कुलर कैम्बियम की पोजीशन अगर अनयूजुअल है तो भी एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ हो सकता है। और दूसरा कारण हमने पढ़ा था अनयूजुअल एक्टिविटी ऑफ वस्कुलर कैम्बियम, अगर वस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी अनयूजुअल है तो भी हमें एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ मिल सकता है। आज हम तीसरा कारण देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ एसेसरी कैम्बियम एंड इट्स एक्टिविटी, कि इसके द्वारा किस प्रकार से कैम्बियम जो है अलग जगह पे बनता है। एसेसरी कैम्बियम से क्या मतलब है और इसकी एक्टिविटी से क्या मतलब है। जैसे कि आपने देखा है कुछ जनरा के अंदर नॉर्मल कैम्बियम की एक्टिविटी जो है वह एब्सेंट होती है या बहुत कम होती है, और नया कैम्बियम ओरिजिनेट हो जाता है पेरिसाइकिल से या कॉर्टेक्स रीजन से। ये जो कैम्बियम ओरिजिनेट होता है इसको एसेसरी कैम्बियम कहा जाता है। एबनॉर्मल बिहेवियर इसका यह है कि यह, जैसे कि नॉर्मल बिहेवियर में तो हम मानते हैं कि कैम्बियम रिंग फॉर्म होती है और कैम्बियम रिंग जो है सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ बनाती है और सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ बनाती है, लेकिन ये जो एसेसरी कैम्बियम है ये एबनॉर्मल इस प्रकार से है कि यह अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम के साथ साथ ऑल्टरनेटिवली, मतलब कुछ सेकेंडरी जाइलम बनाएगी फिर कुछ जगह पर आप देखेंगे पैरेन्काइमा या कंजक्टिव टिश्यू फॉर्म हो जाता है, फिर जाइलम बनाएगी फिर कंजक्टिव टिश्यू फॉर्म हो जाएगा। इस तरीके से एबनॉर्मली अंदर के साइड में सेकेंडरी जाइलम विद ऑल्टरनेटिवली पैरेन्काइमा या कंजक्टिव टिश्यू बनाती है। उसकी ही दूसरी तरफ में जो आउटर साइड है जहाँ पर कि सेकेंडरी फ्लोएम बनता है वहाँ पर भी सेम चीज़ होती है कि सेकेंडरी फ्लोएम के साथ साथ ये पैरेन्काइमा सेल्स बनाती है ऑल्टरनेटली, मतलब थोड़ा सा सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा फिर पैरेन्काइमा बनेगा फिर सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा फिर पैरेन्काइमा, तो पूरे रिंग में सेकेंडरी फ्लोएम और पैरेन्काइमा ऑल्टरनेट करेंगे और अंदर भी सेकेंडरी जाइलम के साथ फ्लोएम जो है वह ऑल्टरनेटिवली बनेगा। इससे क्या होता है, इससे यह होता है कि जो रिंग फॉर्म होती है सेकेंडरी ग्रोथ के बाद वह रिंग जो है उसमें वस्कुलर बंडल्स ही फॉर्म होते हैं, न कि पूरा एक रिंग के स्ट्रक्चर में। जैसे कि अगर नॉर्मल वे में हम देखते हैं तो पूरी रिंग सेकेंडरी जाइलम के अंदर की तरफ बनती है और सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ बनता है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर सेकेंडरी जाइलम के साथ साथ पैरेन्काइमा बन रहा है उसी प्रकार से बाहर भी सेकेंडरी फ्लोएम के साथ साथ पैरेन्काइमा बन रहा है, तो एक तरीके से आप ये मान सकते हो कि ये रिंग ऑफ वस्कुलर बंडल्स बनाती है जो कि धसे हुए होते हैं पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर। अब इसी से रिलेटेड हम कुछ उदाहरण आपको मैं बताऊंगी, कुछ ऐसे स्टेम का टीएस हम देखेंगे जिसमें कि आप देखेंगे कि एसेसरी कैम्बियम कैसे फॉर्म होता है और कैसे वो एक्टिविटी करता है उन स्टेम के अंदर। सबसे पहले हम देखते हैं एमेरैंथस, कि एमेरैंथस के अंदर किस प्रकार से एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ होती है एसेसरी कैम्बियम के बनने के द्वारा। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि नॉर्मल वस्कुलर बंडल्स यहाँ पर नहीं पाए जाते, उन नॉर्मल वस्कुलर बंडल्स की बजाय यहाँ पर आपको मेड्यूलरी बंडल्स दिखाई देंगे जो कि प्राइमरी बंडल्स हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है उसके अंदर अगर हम आपको फिगर में भी मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप देखेंगे कि सबसे पहले इसमें सबसे बाहर जो है स्ट्रक्चर में आपको एपिडर्मिस दिखाई देता है। ये देखिए अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं इसका, ये सबसे बाहर वाली लेयर जो है वो एपिडर्मल लेयर है, अंदर आप देख रहे हो हाइपोडर्मिस और पैरेन्काइमा का कॉर्टेक्स बना हुआ है। स्टार्च शीथ जो लिखी हुई है, ये वाली स्टार्च शीथ है, ये स्टार्च शीथ का मतलब होता है एंडोडर्मिस, उसके अंदर है आपका सेकेंडरी जाइलम और कंजक्टिव टिश्यू, ये कंजक्टिव टिश्यू है और ये सेकेंडरी जाइलम है, और फिर आपका यहाँ बाहर की तरफ में आपको इसके अंदर सेकेंडरी जाइलम जो है बाहर की तरफ में आपको सेकेंडरी फ्लोएम भी दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा सा ब्लर्ड सा डायग्राम है लेकिन आप देखेंगे तो समझ जाएंगे, ये सेकेंडरी जाइलम वाला पोर्शन है और इसके बाहर वाली जो लेयर है दिस इज सेकेंडरी फ्लोएम, बीच में इनके कैम्बियम की लेयर है और अंदर बिल्कुल अंदर पिथ है और ये मेड्यूलरी बंडल्स हैं, क्योंकि ये पिथ में हैं तो ये मेड्यूलरी बंडल्स इनको हम कहते हैं। ये इस तरीके का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है अगर हम आउटलाइन डायग्राम देखते हैं।
तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर हम देखें तो नॉर्मल कंडीशन में ये है, आपको मेडुलरी बंडल्स दिखाई देते हैं और सेकेंडरी ग्रोथ जब इनिशिएट होती है वो असेसरी कैम्बियम के द्वारा ही इनिशिएट होती है। और ये जो असेसरी कैम्बियम है ये बेसिकली पेरिसाइकिल के सेल्स जो हैं उनसे फॉर्म होती है। और एबनॉर्मल कैसे है कि ये आउटर साइड के अंदर जाइलम बनाती है और आउटर साइड के अंदर सॉरी पैरेन्काइमा बनाती है और कुछ सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है अल्टरनेटिवली। उसी प्रकार से अंदर की तरफ में ये सेकेंडरी जाइलम बनाती है और कुछ पैरेन्काइमा सेल्स बनाती है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया भी है, बंडल्स जो हैं यहाँ पे ओपन टाइप के हैं, लेकिन ओपन टाइप के हैं, कैम्बियम है उनके अंदर प्रेजेंट होता है लेकिन कोई कैम्बियल रिंग वो फॉर्म नहीं करते। तो कैम्बियल रिंग फॉर्म नहीं करते तो फिर सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होगा? सेकेंडरी ग्रोथ के लिए असेसरी कैम्बियम की आवश्यकता पड़ेगी और यह असेसरी कैम्बियम जो है वह पेरिसाइकिल से बनेगा और पेरिसाइकिल के सेल्स असेसरी कैम्बियम रिंग की तरह काम करेंगे और ये असेसरी कैम्बियम आपको अंदर की तरफ में सेकेंडरी जाइलम देगा और अल्टरनेटिवली पैरेन्काइमा सेल्स भी बनेंगे। और बाहर की तरफ में जहाँ सेकेंडरी जाइलम बना है उसी के ऊपर आपको सेकेंडरी फ्लोएम मिलेगा और जहाँ पैरेन्काइमा सेल्स अंदर बना है उसी के ऊपर और पैरेन्काइमा सेल्स बाहर की तरफ बनेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि सेकेंडरी ग्रोथ के बाद भी हमें रिंग के अंदर वास्कुलर बंडल्स ही मिलेंगे जो कि कॉन्जॉइंट कोलेटरल होंगे और पैरेन्काइमा टिश्यू में धंसे हुए होंगे। देखिए जैसे अगर आप ये फिगर देखते हैं, ये आपको पिथ दिखाई दे रहा है, पिथ रीजन है, फिर उसके बाद ये मेडुलरी बंडल्स हैं जो कि प्राइमरी बंडल्स हैं, इनके अंदर कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जा रही। यहाँ पर इस रीजन के अंदर आप सेकेंडरी ग्रोथ देख रहे हो ये वाली रीजन में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कैम्बियम जो फॉर्म हो रहा है वो पेरिसाइकिल से फॉर्म हो रहा है, बाहर की तरफ में सेकेंडरी फ्लोएम बना रहा है और कुछ ये बीच वाले जो सेल्स हैं ये आपका पैरेन्काइमेटस हैं अंदर भी और बाहर भी, और ये सेल्स आपको सेकेंडरी जाइलम यहाँ पर जैसे बताया है इसी के ऊपर थोड़ा आपको सेकेंडरी फ्लोएम भी दिखाई देगा, लेकिन उसके अलावा बाकी पैरेन्काइमेटस ये सारा पैरेन्काइमा है। तो पैरेन्काइमा सेल्स बनने से सेकेंडरी ग्रोथ होने के बाद भी ऐसा प्रतीत होता है कि ये बंडल फॉर्म में ही जो है पूरा एक रिंग जो है वह तैयार हो गई है। तो इस तरीके से आप इसके अंदर देख सकते हो कि एसेसरी कैम्बियम बनने के बाद पूरी ग्रोथ होने के बाद आपको एक रिंग ऑफ वास्कुलर बंडल्स ही मिलती है जो कि पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर एम्बेडेड रहती है। कुछ टाइम बाद जो है यह रिंग अपनी एक्टिविटी बंद कर देती है, सेकेंड एसेसरी कैम्बियम की रिंग बन जाती है, वह सेकेंडरी जो सेकेंड एसेसरी कैम्बियम की रिंग बनती है वह भी उसी प्रकार से बिहेव करती है जैसे फर्स्ट एसेसरी की रिंग बिहेव करती है और वास्कुलर बंडल्स जो बनाती है वह भी पैरेन्काइमा के अंदर ही धंसे हुए होते हैं। तो इस प्रकार से लगातार सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बनता है लेकिन साथ में पैरेन्काइमा टिश्यू भी बन रहा है और इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वो सेकेंडरी ग्रोथ के बाद भी वास्कुलर बंडल्स जो हैं वही एम्बेडेड हैं, धंसे हुए हैं कैम्बियम रिंग कैम्बियम के अंदर। तो यह एक तरीके से एमरेंथस में इस प्रकार का ग्रोथ आपको देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं बोगेनविलिया, आपने देखा ही होगा बोगेनविलिया प्लांट, इसके अंदर भी आपको एबनॉर्मल एक्टिविटी मिलेगी सेकेंडरी ग्रोथ की। इसमें देखते हैं किस प्रकार से होता है। प्राइमरी बंडल्स जो हैं इररेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ग्राउंड टिश्यू के अंदर। अगर हम चित्र देखें, ये देखिए ये जो ये ग्राउंड टिश्यू है, पिथ है, इस पिथ रीजन में आप ये देख रहे हैं ये जो सारे बंडल्स हैं दीज आर प्राइमरी वास्कुलर बंडल्स, तो इनको हम मेडुलरी बंडल्स कहते हैं। ये मेडुलरी बंडल्स हैं, ये जो पोर्शन है ये पूरा सेकेंडरी ग्रोथ का पोर्शन है, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। बाहर आप देखेंगे, सबसे बाहर अगर आप देखते हैं तो क्यूटिकल आपको दिखाई देता है। क्यूटिकल के अंदर सिंगल लेयर्ड इपिडर्मिस है, कॉलेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा का बना हुआ यहाँ पर आपको कॉर्टेक्स रीजन दिखाई दे रहा है। पेरिसाइकिल है यहाँ पर पैचेज में प्रेजेंट है, प्राइमरी फ्लोएम बिल्कुल क्रश हो गया है, उसके बाद आपको रिंग ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम दिखाई दे रहा है, उसके अंदर कैम्बियम है और फिर अंदर की तरफ में सेकेंडरी जाइलम है। सेकेंडरी जाइलम ये जो बड़े वेसल्स बताए हैं वही सेकेंडरी जाइलम आपको दिखाई दे रहा है और ये जो बीच में लाइनिंग वाला पोर्शन है दिस इज प्रोजेनकाइमा या कंजक्टिव टिश्यू। ये क्या है, ये लिग्निफाइड पैरेन्काइमा सेल्स में लिग्निफिकेशन हो जाता है तब इनको कंजक्टिव टिश्यू कहा जाता है और आप देख रहे हैं इसी के अंदर इंटरजाइलरी फ्लोएम भी प्रतीत हो रहा है, वो भी दिखाई दे रहा है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे अभी। तो हम इसमें देखते हैं कि प्राइमरी बंडल्स जो हैं उनको हम मेडुलरी बंडल्स कहते हैं,
मेडुलरी बंडल्स के अंदर जो कैम्बियम है वो बहुत ही कम एक्टिव होती है, बहुत लेस एक्टिव होती है, इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ जो है यहाँ पर भी असेसरी कैम्बियम के द्वारा ही पॉसिबल हो पाती है। सेकेंडरी असेसरी कैम्बियम जो है यहाँ पर भी जो सेकेंडरी जाइलम काटती है उसके साथ साथ ही अंदर की तरफ में सेकेंडरी जाइलम के साथ साथ पैरेन्काइमा सेल्स बनते हैं, और पैरेन्काइमा सेल्स जो बनते हैं वह लिग्निफाइड होते हैं, इसलिए उनको हम कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं। बाहर की तरफ में ही कैम्बियम जो बना है असेसरी कैम्बियम, उसमें बाहर की तरफ सेकेंडरी जाइलम पे सेकेंडरी फ्लोएम बनता है और अल्टरनेटिवली साथ में पैरेन्काइमा सेल्स भी बन जाते हैं। ये पैरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं वह भी लिग्निफाइड होते हैं और लिग्निफिकेशन होने के कारण वह कंजक्टिव टिश्यू कहलाते हैं। अब लिग्निफाइड कंजक्टिव टिश्यू जो हैं बहुत थिक होते हैं, और अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो आप देखेंगे सेकेंडरी जाइलम जो है वो और लिग्निफाइड कंजक्टिव टिश्यू में बहुत ज़्यादा फर्क प्रतीत नहीं होता है। तो पैरेन्काइमा या कंजक्टिव टिश्यू बाहर भी है अंदर भी है, तो उसमें क्या प्रतीत होता है कि जाइलम के ऊपर जो फ्लोएम है वो ऐसे प्रतीत होता है जैसे कि वह इंटरजाइलरी फ्लोएम है, जैसे कि फ्लोएम के अंदर धंसा हुआ फ्लोएम है। एक्चुअली वो ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि पैरेन्काइमा सेल्स कंजक्टिव हैं इसलिए ऐसा प्रतीत होता है। हम फिगर में देखते हैं, जैसे ये पूरा फिगर जो है इसके अंदर ये जो पोर्शन है ये एक तरीके से आपका सेकेंडरी ग्रोथ का पोर्शन है। अब इसमें आप देखिए ये जितने भी थिक वॉल्ड सेल्स हैं दीज आर कंजक्टिव टिश्यू या प्रोजेनकाइमा हम इसको कह रहे हैं, ये आपका सेकेंडरी जाइलम है और इसके ऊपर जो फ्लोएम है, एक्चुअली होता क्या है जहाँ भी कैम्बियम की लेयर फॉर्म होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लेयर फॉर्म हुई तो ये लेयर जो है अंदर की तरफ में आपका, या यहाँ ये कैम्बियम यहाँ फॉर्म हुई है, सॉरी कैम्बियम यहाँ फॉर्म हमने बोला यहाँ फॉर्म हुई क्योंकि अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाएगा, तो ये पूरा पोर्शन आपका सेकेंडरी जाइलम का फॉर्म हो गया है और ये बाहर की तरफ में सेकेंडरी फ्लोएम बना रही है। तो क्या होता है कि जो कंजक्टिव टिश्यू है वह भी साथ साथ ये बना रही है जाइलम के, और फ्लोएम भी जाइलम के बिल्कुल ऊपर बन रहा है और उसके आसपास भी कंजक्टिव टिश्यू ही फॉर्म हो रहा है। तो होता ये है कि वह फ्लोएम जो है वह इस तरीके से प्रतीत होता है जैसे कि वह जाइलम के अंदर धंसा हुआ है, इसलिए हम इसको यहाँ पर इंटरजाइलरी फ्लोएम कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर बोगनविलिया के अंदर भी आपको इस तरह की असेसरी कैम्बियम के द्वारा ग्रोथ दिखाई देती है। तीसरा स्टेम जो आज हमें इसमें पढ़ना है वह है बुरहेविया स्टेम। इसमें भी एबनॉर्मलिटी या एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ के साथ साथ में जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसमें भी एबनॉर्मलिटी दिखाई देती है। देखते हैं हम इसको किस प्रकार से एबनॉर्मलिटी आप देख सकते हो। ये आपका आउटलाइन डायग्राम जो है, ये चित्र जो है, इसमें आप देखिए इसमें तीन रिंग के अंदर बंडल पाए जाते हैं। जो पहली रिंग है अंदर वो मेडुलरी बंडल्स कहलाते हैं। ये दो बंडल्स यहाँ बड़े बंडल्स आपको दो बंडल दिखाई दे रहे हैं, ये फर्स्ट रिंग के बंडल हैं जिनको मेडुलरी बंडल्स भी कहा जाता है। जो सेकेंड रिंग के बंडल्स हैं, अगर आप सेकेंड रिंग इसमें देखते हैं तो आपको यहाँ पर 6 से 14 करीब, ये सेकेंड रिंग है, 6 से 14 बंडल्स आपको इसमें दिखाई देते हैं। और थर्ड जो रिंग है उसमें आपको कम से कम 15 से 20 वस्कुलर बंडल्स दिखाई देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वह भी एनामलस है, थोड़ा डिफरेंट है तीन रिंग के अंदर बंडल का पाया जाना, ये थोड़ा सा अलग है। और दूसरा, इसमें भी असेसरी कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है और उसकी एक्टिविटी के द्वारा ही सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पर पॉसिबल होती है। तीन रिंग मैंने आपको बताई दी, इंटरनल जो इनर रिंग है उसमें 2 लार्ज मेडुलरी वस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, मिडिल रिंग जो है उसमें 6 से 14 बंडल्स पाए जाते हैं, और जो आउटर रिंग है उसमें 15 से 20 वस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। अब कैम्बियम जो है वह आउटर मोस्ट जो रिंग है उसके अंदर कंप्लीट रिंग बनती है एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, और ये जो रिंग फॉर्म होती है ये सेकेंडरी जाइलम बनाती है इंट्राफेसिकुलर रीजन में, मतलब जहाँ पर बंडल में जो बीच में कैम्बियम है वो कैम्बियम ही सिर्फ सेकेंडरी जाइलम बनाती है, और कंजक्टिव टिश्यू बनता है कहाँ पर, इंटरफेसिकुलर रीजन में। कहने का मतलब ये है कि अगर आप बंडल्स देखते हैं, देखिए अगर हम चित्र में देखते हैं, अगर आप ये बंडल्स देख रहे हैं तो इनके बीच में जो ये जो पोर्शन है, ये जो डॉटेड पोर्शन है, ये यहाँ पर तो लिग्निफाइड सेल्स बनाएगी और सिर्फ जहाँ बंडल है वहीं पे यहाँ पे ये सेकेंडरी जाइलम बनाएगी। तो मतलब पैरेन्काइमा, फिर सेकेंडरी जाइलम, फिर पैरेन्काइमा, फिर सेकेंडरी जाइलम, इस तरीके से ऑल्टरनेटली ये
फॉर्म होता है। और इसी तरीके से बाहर की तरफ में भी, जहाँ अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बना है उसी के ऊपर बाहर सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा, और जैसे पैरेन्काइमा अंदर बना है उसी प्रकार से उसी के ऊपर पैरेन्काइमा बाहर की तरफ भी बनेगा, जो कि कंजक्टिव टिश्यू कहलाता है। ये एक तरीके से फर्स्ट एसेसरी कैम्बियम यहाँ पर फॉर्म हो गई, और ये फर्स्ट एसेसरी कैम्बियम जो है बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेगी जैसे कि नॉर्मल कैम्बियम, यहाँ पर नॉर्मल कैम्बियम को जिस प्रकार से बिहेव करना चाहिए था नॉर्मली उस तरीके से ही ये बिहेव करेगी। और ये थोड़े टाइम बाद इसकी एक्टिविटी बंद हो जाती है, और तुरंत ही थोड़े इसके बाद ही नई कैम्बियम बन जाती है, नई एसेसरी कैम्बियम बन जाती है। और उसमें भी जिस प्रकार से इसमें सेल्स काटे जाते थे, जैसे अंदर सेकेंडरी जाइलम और पैरेन्काइमा बन रहा था और बाहर की तरफ में आपका सेकेंडरी फ्लोएम और पैरेन्काइमा बन रहा था, उसमें भी इसी प्रकार से बनेगा। और ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा, कब तक? चार या चार से अधिक कॉन्सेंट्रिक रिंग्स वस्कुलर बंडल्स की बन जाती हैं, और वो सभी की सभी रिंग्स जो हैं ऐसी प्रतीत होती हैं जैसे कि पैरेन्काइमा या कंजक्टिव टिश्यू के अंदर एम्बेडेड हों, कंजक्टिव टिश्यू में धसी हुई होती हैं। तो ये इस प्रकार से जो एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, ये बेसिकली हमने तीन एग्जाम्पल यहाँ पर देखे, और तीनों एग्जाम्पल्स में हमने पाया कि जो असेसरी कैम्बियम फॉर्म हो रही है वो क्या कर रही है, वो टोटली अंदर सेकेंडरी जाइलम और बाहर सेकेंडरी फ्लोएम बना रही है, ऐसा नहीं है। वो सेकेंडरी जाइलम के साथ साथ कंजक्टिव टिश्यू बना रही है अंदर भी, और वैसे ही बाहर भी सेकेंडरी फ्लोएम बना रही है और साथ में कंजक्टिव टिश्यू फॉर्म कर रही है। तो इस तरीके का पैटर्न होने से उसके अंदर सेकेंडरी, उसके अंदर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि सेकेंडरी ग्रोथ के बाद भी बंडल्स ही प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि चारों तरफ बहुत सारा पैरेन्काइमा सेल्स या कंजक्टिव टिश्यू फॉर्म हो जाता है। जैसे कि आप ये चित्र भी देखेंगे, बोरहेविया के अंदर आपको एबनॉर्मलिटी प्राइमरी स्ट्रक्चर में भी दिखाई दे रही है, जिसमें आपको सबसे बड़ा एक बंडल, दो बंडल बीच में दिखाई देते हैं। ये बंडल आपको मेडुलरी बंडल इसे कहा जाएगा, जो कि प्राइमरी बंडल है। इसी प्रकार से ये मिडिल लेयर का बंडल दिखाई दे रहा है, और ये आपको आउटर लेयर का बंडल दिखाई दे रहा है। तो सेकेंडरी ग्रोथ जो है ये आउटर लेयर के अंदर ही होती है, और आउटर लेयर के अंदर ये जो बाकी सेल्स हैं, आसपास जो सेल्स हैं, ये सारे कंजक्टिव टिश्यू हैं या पैरेन्काइमा हैं, और जहाँ पर बंडल था वहीं पर सेकेंडरी जाइलम फॉर्म होगा और उसी के ऊपर जो है सेकेंडरी फ्लोएम फॉर्म होगा। बाकी सारा ये जो है ये लिग्निफाइड सेल या कंजक्टिव टिश्यू कहलाएगा। तो इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ के बाद भी ऐसा प्रतीत होता है कि वस्कुलर बंडल्स ही बहुत सारे प्रेजेंट हैं। और जब ये रिंग अपनी एक्टिविटी समाप्त कर देगी तो आगे कॉर्टेक्स या पेरिसाइकिल सेल्स के अंदर से आपका नया एसेसरी कैम्बियम फॉर्म हो जाएगा, और नया एसेसरी कैम्बियम भी उसी तरीके से बिहेव करेगा जैसे कि फर्स्ट एसेसरी कैम्बियम जो फॉर्म हुआ था उसने बिहेवियर दिखाया था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अलग कैम्बियम बन रहा है, जो मेन वस्कुलर बंडल में जो कैम्बियम है उसकी एक्टिविटी बहुत स्लो डाउन हो गई है, बहुत कम एक्टिविटी वो कर रहा है। इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ चाहिए प्लांट को, तो उसको नई एसेसरी कैम्बियम बनानी पड़ेगी और उसी से उसकी ग्रोथ पॉसिबल होगी। आशा करती हूँ आपको ये सारे एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। हमने तीन एग्जाम्पल पढ़े हैं इसमें, एमरैंथस का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, बोगेनविलिया का एग्जाम्पल आपको बताया, और बोरहेविया का एग्जाम्पल बताया। आप इसको किताब से भी पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं कुछ समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगी। और अगर आपको दोबारा कुछ समझना है तो मैं आपको दोबारा भी समझा सकती हूँ। किताब से ज़रूर रेफ़र करिए, कोई डाउट है आप पूछिए। थैंक यू सो मच।